नमस्कार साथियों, प्रीपोजिशन कन्फ्यूज को लेकर काफ़ी बार एग्जाम में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ अक्रॉस एंड अगेंस्ट का सही प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि गाइस, अक्रॉस का प्रयोग होता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, यानी कि के पार के अर्थ में, या बोथ साइड्स दोनों ओर, या फिर फ्रॉम वन साइड टू अनोदर, यानी कि इस पार से उस पार के अर्थ में होता है। तो ये हमारे लिए जान लेना बेहद ज़रूरी होता है कि इसका वास्तविक प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो अक्रॉस का प्रयोग हम या तो के पार के अर्थ में करेंगे, या दोनों ओर, या इस पार से उस पार, यानी कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, या फिर बोथ साइड्स, या फ्रॉम वन साइड टू अनोदर। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, राधा लिव्ड अक्रॉस द रोड। यहाँ पे अक्रॉस को हमने अंडरलाइन किया है। तो देखिएगा, ये भाव जो दे रहा है, यानी कि हमने दिया के पार या दोनों ओर, यानी इस पार से उस पार। तो इस संदर्भ में हम लोग यूज करेंगे गाइस। तो अक्रॉस का मतलब होता है, हम डायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हैं, आर पार, यानी कि उसके पार। तो के पार का मतलब भी उधर हो गया, या दोनों ओर भी हो सकता है। फिर होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का वैसे तो हम लोग यूज करते हैं खिलाफ, यानी कि विरुद्ध के रूप में। तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं जैसे प्रेसिंग ऑन अपोजिट, या कंट्रोवेशंस ऑफ। तो हम यहाँ पर बात करें तो देखिएगा, अपोजिट की बात करें, इनकी प्रेसिंग ऑन की बात करें, तो प्रेसिंग ऑन का मतलब होता है से हटकर, ठीक है, या के विपरीत के रूप में यूज कर सकते हैं, प्रेसिंग ऑन हुआ। कंट्रोवेशंस ऑफ के विरुद्ध के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका यूज होगा। ये दोनों बहुत ईजी हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध या के खिलाफ, किसी को खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो अगेंस्ट के विरुद्ध के रूप में यूज हुआ है। जुड़े रहिएगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात।